राम राम श्री राम राम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरवसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीत परागपुञ्जं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमांबरं वरविभूषण भूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकं गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं पुरपतिं भज विश्वनाथं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार तुलसी दास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीता राम श्री ना
सीता राम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धास्पद नृसिंह पीठाधीश्वर श्रद्धेय डॉक्टर श्री स्वामी श्यामदास जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण संतजन, उपस्थित भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी के चरित्र का चारु चिंतन करने का अवसर मिला है। भरत जी के नाम स्मरण से ही हृदय श्री राम भक्ति के भाव से भर जाता है। और संस्कार धानी की यह धरती, जैसा कि परम आदरणीय संचालक महोदय ने उन दिव्य महापुरुषों का नाम लिया जिनका स्मरण ही जीवन को पावन कर देता है, अनंत श्री संपन्न सुखदेव स्वरूप परम श्रद्धास्पद ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी अखंडानंद जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन, और दूसरे श्री रामचरितमानस के एकमात्र अलौकिक मौलिक व्याख्याकार, अद्भुत रहस्यदर्शी पूज्यपाद पंडित श्री रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज, जिनके मानस चिंतन का लाभ श्रोताओं को तो मिला ही, व्यासों को मिला है। मैं दोनों ही महापुरुषों के संपर्क में रहा हूँ। स्वामी जी महाराज का बहुत क्षोभ मुझे मिला, बाल्यकाल से ही उनके पास जाता था और यह मेरा सौभाग्य था और उनकी अनुकंपा थी कि मेरे द्वारा भी वे भगवान श्री राम जी की कथा सुनते थे और आशीर्वाद देते थे। और मुझे यह पूरा भरोसा है कि आज जो कुछ भी इस शरीर के माध्यम से आपके सामने प्रकट होता है वह स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जैसे महापुरुष के आशीर्वाद का ही फल है। इसमें मेरा अपना कोई पुरुषार्थ और प्रयास नहीं है, यह प्रसाद है, भगवान की कृपा है। उनके लिए तो मैं यही कहता हूँ, ब्रह्म रूप विद्वत प्रवर जीवन नित निर्द्वंद, भारत के सौभाग्य थे स्वामी अखंडानंद। और जहाँ तक पूज्य चरण पंडित श्री रामकिंकर जी महाराज की बात है, वे तो सब समझता हूँ मैं कि रामायणियों के आचार्य हैं, व्यासों के व्यास हैं। उनके लिए भी मैंने बहुत श्रद्धा पूर्वक लिखा था, लोक वंदनीय गुण गायक श्री राम जू के, लोक वंदनीय गुण गायक श्री राम जू के मानस मनन मंडली में सिरताज थे। लोक वंदनीय गुण गायक श्री राम जी के मानस मनन मंडली में सिरताज थे,
पंडित प्रवीण भाव दीनता को धारें उर जिनके सर्वस्व सदा सीय रघुराज थे। अवध निवास दास तुलसी के दास खास व्यासन के व्यास पे कृपालु कपिराज थे। देश के थे गौरव राजेश के ज्ञान गुरु भक्त प्रवर राम किंकर महाराज थे। और उनके द्वारा भी रामचरितमानस के चिंतन का जो प्रसाद हमको मिला है, हम लोग कथा के बीच में उन भावों का उपयोग भी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है, मैं उनके प्रति कहा करता था, श्री मुख सों सुनी राम कथा, जन राजे सहु कछु भाव लहेंगे, भक्तन के ढिंग बैठ कबो पुनि भाव समेत सो भाव कहेंगे, प्रेम सुधारस स्वाद को पाए सबे प्रभु प्रेम प्रवाह बहेंगे, और राम के किंकर आप भये हम रावरे किंकर होए रहेंगे। और उनकी वंदना में अवश्य करता हूँ, बंदौ पंडित राम किंकर तुलसी दस रसिक, बरने बुध विश्राम राम चरित हनुमत कृपा। एक बार किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज रामचरितमानस के बड़े यशस्वी कथाकार, बड़े हृदयवान और पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज, दोनों के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? तो मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि तुलना की दृष्टि से तो सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ कहने की बात है तो मैं यही कहूँगा कि श्री बिंदु जी महाराज जैसा कोई रस नहीं दे सका रामचरितमानस का, और श्री रामकिंकर जी महाराज जैसा कोई रहस्य नहीं दे सका, ये दोनों अपने। और इस जबलपुर जो संस्कारधानी कहलाती है, इस धरती के प्रति भी मैं बहुत श्रद्धा से भरा हूँ और हृदय से इस धरती को प्रणाम करता हूँ। जिस धरती का संबंध जो सुखदेव स्वरूप थे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणों से रहा, उनके पावन प्रसंग सत्संग से रहा, और भी अधिक गौरव की बात यह है कि मानस के एकमात्र यशस्वी कथाकार पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज को जन्म देने का सौभाग्य इसी धरती को प्राप्त है। और आज हम लोग मानस भवन में बैठे हैं, और बहुत सार्थक नाम है मानस भवन का नाम, जो युग तुलसी श्री राम किंकर उपाध्याय मानस भवन हुआ, तो यह बहुत ही सार्थक है। मुझे लगता है कि अव्यक्त रूप से श्री राम किंकर जी महाराज की उपस्थिति में ही हम लोग हनुमान जी के मंगलमयी प्रेरणा से यह भगवत कथा कहते और सुनाते हैं। तो आज मुझे भी स्मरण हुआ जब उनके नाम का उल्लेख हुआ, तो आप लोग बहुत प्रेम से श्रद्धा से बैठकर श्री भरत जी की मंगलमयी प्रेममयी कथा सुने। और सही बात यह है कि बुद्धि प्रधान होकर चिंतक की दृष्टि से पूज्यपाद श्री रामकिंकर जी ने रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों की व्याख्या की है, लेकिन हृदय प्रधान होकर अगर किसी पात्र की चर्चा प्रस्तुत की है तो वे भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी ही हैं, और इसलिए उनकी बड़ी प्रसिद्ध कृति है प्रेम मूर्ति भरत। तो हम लोग भी प्रेम मूर्ति भरत जी की प्रेम भरी कथा का लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती से बोले। सीता राम जय सीता राम सी सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता
मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित पवन सुत पावन नाम सुमिरी पवन अपने बस करी राखे राम अपने बस शरण शरण दया के धाम अशरण शरण मुझे भरोसा तेरा राम मुझे राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री तुलसीदास जी महाराज तारतो को भवसो अनेक जीव तारिवे को राम कथा गंगा जो न धाम धाम धावती प्रभु के विश्वास को न दंड हो सुदृढ़ हो तो विश्व बीच धर्म की ध्वजा न फहरावती शैव शाक्त विष्णु भक्त रहते राजेश शत्रु चार घाट झांकी जो न लखिवे में आवती प्यासे रह जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी दीन तुलसी की बानी जो पे पानी ना पिवावती तुलसी की बानी जो पे पानी ना पिवावती और ये पानी भी कैसा पानी है राजस मानस को पानी है राजस मानस को
पर से ही ये पान होत है पानी, पानी कृपा कविता बदरा बरसे सर से अखियान में पानी। ये पानी डुबावत भाव में है, भव पानी के पार पठावत पानी, और पानी के तेज गुमान इनको पल में यह पानी उतारत पानी। प्रभु करी कृपा पानी दीनी, प्रभु करी कृपा सादर भरत शीश धरि लीन, प्रभु करि कृपा पान। श्री रामचरितमानस की इस भाव में पंक्ति का आशय है, भगवान ने कृपा पूर्वक पादुका दी और श्री भरत जी ने प्रभु प्रदत्त पादुका को आदर पूर्वक सिर पर रख लिया। भरत जी का भाव बड़ा अद्भुत है, सादर भरत शीश धरि लेनी। क्यों? क्योंकि भगवान की पादुका है। भरत जी का मन उसी के प्रति भक्ति भाव से भरा है जिसका संबंध भगवान से है। यही कारण है जब वे राम जी को मनाने के लिए चले उस दृश्य को हम लोग देखें और मन से हम लोग भी सम्मिलित हों इस यात्रा में। बहुत प्रसिद्ध पारंपरिक भजन की पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, मैं उसी को दोहरा रहा हूं। भरत भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। मनाने भरत राम, राम को मनाने। भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। अब एक प्रसंग के माध्यम से यह भाव भरा दृश्य देखें। गुरुदेव श्री वशिष्ठ के संग श्री भरत जी रथ में बैठे हैं, अन्य लोग अलग अलग वाहनों पर
बैठकर श्री राम जी से मिलने के लिए चले हैं। भरत जी से एक आध्यात्मिक समझ की प्रेरणा यह भी लेनी चाहिए कि कोई घोड़े पर बैठकर जा रहा है, कोई रथ पर, कोई हाथी पर, कोई डोली में, वाहन अलग अलग हैं, लेकिन सबकी यात्रा का लक्ष्य एक ही है। तो वाहनों का भेद तो रहेगा ही, सब घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकते, सब हाथी पर बैठकर नहीं जा सकते, सब डोली में बैठकर नहीं जा सकते, सब रथ में बैठकर नहीं जा सकते, पर वाहनों का भेद तो रहे, पर अगर लक्ष्य का भेद नहीं है तो भिन्न भिन्न वाहन होने के बाद भी उद्देश्य एक होने से भेद तो वाहन का रहेगा पर भेद का भाव समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह भगवत प्राप्ति अगर लक्ष्य है तो भले ही साधन भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न संप्रदाय साधन परंपरा हो, पर संप्रदायों का भेद तो रहे, साधनों का भेद तो रहे, लेकिन भगवत प्राप्ति का अगर उद्देश्य है तो भेद का भाव समाप्त हो जाए, यही लोक के लिए परम कल्याणकारी मार्ग है। भेद रहे पर भेद का भाव न रहे। लोग भेद मिटाने पर तुले, जबकि भेद नहीं मिटता, भेद का भाव मिटता है। आभूषणों का भेद नहीं मिटता, पर स्वर्ण की दृष्टि से आभूषणों के भेद का भाव समाप्त हो जाता है। भरत जी रथ में बैठे हैं। अब बहुत करुणापूर्ण और हृदय द्रावक प्रसंग है। निखाद राजगुह को समाचार मिला कि भरत जी आ रहे हैं और सेना साथ में है। भ्रम हो गया। बाद में एक वृद्ध ज्योतिषी के परामर्श से ऐसा निर्णय किया गया कि भरत जी से मिल लें, पता तो लग जाए कि उनके मन में प्रेम का भाव है या विरोध का भाव है। सेना को छिपा दिया गया और निखादराज कंदमूल फल आदि की भेंट लेकर मिले। अब निखादराज ने जैसे ही प्रणाम किया तो गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। अब तुलसीदास जी का शब्द देखो, वशिष्ठ जी ने क्या समझकर आशीर्वाद दिया? यह समझकर कि यह श्रृंगवेरपुर का राजा है ना, तो यह समझ करके बेचारा दीनहीन छोटी जाति का निखाद है, यह समझ कर? बोले ना,